इस वक्त मैं रायपुर से बस्तर के रास्ते पर हूँ और रास्ते में हमें दोनों तरफ काफ़ी खेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग गाय और भैंस चरा रहे हैं और धान की कटाई भी शुरू हो गई है। काफ़ी खेतों में हमें कटाई दिखाई दे रही है, तो हम जाकर इनसे बात करेंगे कि किसानों की कर्ज़ माफ़ी को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार कुर्रे। तो आपके खेत हैं या आप खेतों में मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी करने आया हूँ मैं। आपके अपने खेत नहीं हैं? है थोड़ा बहुत, तो 5-10 कट्ठा खेती है, क्या करूँ, उसका मैं जीवन नहीं चले, कमाए रहे बिना पेट भरे नहीं, बाल बच्चा कामे पोस हूँ, हैं सब मजदूरी करबे तब जीवन यापन करत हम, अब नहीं मजदूरी करबे कामे जीवन यापन करबे। वोट तो हर बार आप जाके देते होंगे? हैं वोट तो आप देते होंगे चुनाव में? वोट हाँ 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 चुनाव में तो वोट डालते हैं, काबन डालबे, 57-58 साल उम्र हुआ थे, वोट कैसे नहीं डालबे भाई, है ना। क्या उम्मीद है आपको? लगता है चुनाव के बहाने नेता मिलने आते हैं, कई नेता आए, उम्मीदवार कोई आए मिलने, आप किस तरीके के वादे कर रहे हैं और आपको क्या उम्मीद है? कहीं नेता मिलने नहीं आए, जे नेता ना थे आते थे मन सब अपन अपन वोट ला मांगते, भाजपा वाला आते थे भाजपा मोड़ धू कही, कांग्रेस वाला ही थे अपन पक्ष हम बोल ही है, अब जे किसान के हित करी भलाई करी तेला वोट ला देबो भाई, है नहीं। तो कौन आपको क्या लगता है कौन किसानों का भला करता है? अब भला तो कांग्रेस करे, घेरी बेरी क्या करी, किसान के ऋण मुक्ति करे है, कर्जा माफ करे है, कांग्रेस करे, भाजपा कहाँ करे है, भाजपा उम्र में नहीं करे हैं, जितना भी कांग्रेस करे ऋण मुक्ति करे कर्जा माफ करे, इंदिरा गांधी जब बनल कर्जा और ऋण मुक्ति का माफ होवत होवत वही करे बिचारी है। ऐसा लग रहा है कि आप शुरू से ही कांग्रेस को ही वोट देते आ रहे हैं? हाँ शुरू से कांग्रेस से वोट देते हैं। तो कांग्रेस के समर्थक हैं आप या फिर उम्मीदवार देख के वोट करते हैं? नहीं उम्मीदवार देख के वोट देता है ऐसे बात नहीं, कांग्रेस के समर्थन ऐसे बात नहीं है, जेन अच्छा लगी ना उला वोट देता है नहीं, गरीब आदमी का कर दो, कोई लो एक वोट देना है, एक वोट के मालिक है नहीं, ऐसे का बोल रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार चुनाव से, क्या चाहते हैं? हमारे किसान के कर्जा माफ होना चाहिए भाई, वही उम्मीदवार है हमारे है, अब किसान के कर्जा नहीं माफ हो तो का करके जीवन जीवन करबो, किसान कर्जा बोड़ी में लदा गए हैं, कर्जा लागम है नहीं, अब जे सरकार है बैठी सत्ता में जो किसान के कर्जा माफ करी हुई हमारे लिए भलाई है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। बिहारी। ओके, ये कौन सी विधानसभा है आपकी? कुरूद। कुरूद। तो अभी कौन यहाँ से विधायक है, किस पार्टी के? अभी अजय हवे, अजय चंद्रा। किस पार्टी से है? भाजपा। तो अभी कैसे चुनाव को लेके क्या चल रहा है इधर और क्या सोचा है आपने चुनाव को लेके इस बार? अभी चुनाव अभी डाना भी चला था अभी अभी सोचा था ना देंगे आप कनौल ऐसे ही, तो आपने अभी सोचा नहीं है कि किसको वोट देना है? तो अभी पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो किसानों की कर्ज माफ़ी हुई थी, तो आपको भी कुछ फ़ायदा उसका मिला क्या? अभी तो कुछ नहीं मिले मैडम, अभी घर वर काकरो काकरो यदि कहीं कुछ आए थे बहुत जन के आए, बहुत जन के आ भी नहीं करी, हमारे मन के तो आ भी नहीं करे। क्या क्या नहीं हुआ? घर वर के इंदिरा आवास वाला आए नहीं ना, तो अभी नहीं आए। इंदिरा आवास में घर आपका आया नहीं, नहीं। और आप पे कर्ज आपने लिया था क्या? कर्ज आप कर्ज और जितनी ले ऐसे समूह फमूह वालों कहीं कुछ उठाक ना सब यह कर था वही में अला देखते रहे इंदिरा आवास कहीं आई तो बनाबो ऐसे कि आ भी नहीं करी तहन वही दे समूह फमूह उठाक ना अलवा जलो अपन बना। तो इस बार लग रहा है कि कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ होगा? अब उम्मीद देखा तो मेरा आवाज जाएगा ना तो बढ़िया हो जाए, कोनो कोनो देना है अभी कोनो लोहे देना है ऐसे वाला कहीं कहीं कोनो कोनो भेद देना तो दे देंगे। मतलब ऐसे सोच समझ के देंगे किसे वोट देना है या ऐसे ही किसी को भी दे देंगे? नहीं सोच के देवो चल इला देना है ऐसे ही के। तो आपके साथ है ये इनकी गाय भैंस है, ये भी ऐसे चल घर के हरे वो इनके घर की है, तो ये गाय भैंस इनकी हैं। अच्छा तो मैं इनसे बात करती हूँ। यहाँ मैं अभी बस्तर जा रही हूँ रायपुर से और रास्ते में हमने देखा कि ये गाय और भैंस चरा रहे हैं, तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए। वैसे रायपुर में अभी चुनाव का कोई ऐसा खास माहौल दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी वोटिंग में काफ़ी टाइम भी है, क्योंकि 17 नवंबर को उस एरिया में वोटिंग होनी है, बस्तर संभाग में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो इसलिए हम बस्तर के लिए निकले हैं। तो यहाँ ये है, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं चुनाव के मुद्दों को लेकर। जी आपका नाम क्या है? डीएसवर यादव। और ये गाय भैंस आपकी है? हाँ।
तो आप किसान हैं, कितनी बड़ी खेती है आपकी? 5 एकड़ है। पिछले बार चुनाव में किसानों की कर्ज माफ़ी बड़ा मुद्दा था, बोला था करेंगे, तो आपको उसका कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, फ़ायदा हुआ, कर्ज माफ़ी हुई आपकी। तो इस बार भी कांग्रेस ने बोला है, भूपेश बघेल ने, कि अगर फिर से हमारी सरकार आती है तो हम करेंगे, तो आपको ये मुद्दा कितना प्रभावित करता है? कुछ नहीं बता सकूँ, मतलब फ़ायदा होगा आपको लगता है? होगा ना, होगा, फ़ायदा तो होगा, तभी तो कुछ काम होगा ना। तो अभी आपने सोचा है कि किसे वोट करेंगे, या बाद में सोचेंगे, या डिसाइड कर लिया? बाद में सोचेंगे। अभी आपने कुछ सोचा नहीं है। तो अभी चुनाव का कुछ माहौल है, इधर कुछ चल रहा है चुनाव का? अभी आ रहे हैं लोग वोट मांगने, आया ना सब वोट मांगने। तो जब लोग वोट मांगने आ रहे हैं, आप उनसे कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, या बस वो जो बातें कह रहे हैं बस वो बातें कर रहा है, बस सुन रहा है मन बस? तो ऐसे आपको लगता नहीं है कि नेताओं से सवाल पूछने चाहिए कि उन्होंने काम किए या नहीं किए? नहीं, हमारा का है, हमें कामेज में हमने हेरा था ना, मेन बात यदि गाय भैंस में, मतलब हमन पूरा हेरा था। अच्छा, आपका पूरा टाइम इधर ही चला जाता है।